हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की दो बड़ी मूवियों के बारे में, यानी कि अटैक मूवी और आरआरआर मूवी। तो यार, जैसे कि अटैक एक साइंस फिक्शन मूवी है और जिसका क्रेज अभी इंडिया में सबसे ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ आरआरआर एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और इस मूवी के डायरेक्टर भी एसएस राजामौली है, जिनके अंदर एक परफेक्शन का कीड़ा है और उन्होंने ही पूरे बॉलीवुड को असली मास एंटरटेनमेंट के बारे में बताया है, वरना ये तो सिर्फ रीमेक ही करना जानते थे। तो अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यार, 60 करोड़ में बनी एक सुपर सोल्जर मूवी जो लोगों को उससे भी ज्यादा पसंद आ रही है, जिनका बजट 160 करोड़ से भी ऊपर है, और फिर ऊपर से वो रीमेक है। बच्चन पांडे, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो अटैक इंडिया में लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और ये सुपर सोल्जर की मूवी भी है। अब इंडिया वो देश नहीं रहा जहाँ तुम बड़े स्टार के नाम पर कुछ भी चिपका दोगे, तो अब ऑडियंस को अच्छा माल चाहिए जो तुम दे नहीं सकते। तो यार क्यों ना, अब बात की जाए आरआरआर मूवी के बारे में। तो यार, ये मूवी एक बिग एक्शन ड्रामा मूवी है, वो भी काफी बड़े बजट के साथ, और इसने अपने रिलीज के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अच्छा मोटा पैसा छाप लिया है, और ये भी और पैसा कमाने में लगी है। और यार कमाई भी क्यों नहीं, आखिर मूवी है राजामौली की, और इसका VFX, एक्टिंग, एक्शन सभी काबिले तारीफ है। और इसका इतना अच्छा होना अटैक मूवी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आरआरआर को लोग इतना पसंद कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वो थिएटर से हटी नहीं है। तो इसी के चलते काफी जगह अटैक को उसकी स्क्रीन नहीं मिल पाई। अब यार अटैक का तो नहीं पता, पर आरआरआर इंडिया की सेकंड ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। इसी रफ्तार से देखा जाए तो वो इंडिया की फर्स्ट मूवी भी बन सकती है। वैसे भी पूरे इंडिया में साउथ की मूवी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल KGF Chapter 2 का ट्रेलर होगा। और इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।